What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. Sweet potato fries बना रहा हूँ आज. अब fries तो हम सबको बहुत पसंद ही होते हैं, लेकिन sweet potato के fries भी बहुत delicious बनते हैं. और अभी ठंड के मौसम में शकरकंद बहुत अच्छी मिलती है, तो sweet potato fries आप बना कर देखिए एक बार घर पर, and I'm sure you will love it. अब sweet potato fries जब भी बनाते हैं ना, तो कई recipes में cornflour add करने की ज़रूरत पड़ती है. बट यहाँ पर इंडिया में जो वैरायटी ऑफ स्वीट पोटैटोज मिलते हैं, वो पर्पल वाली एक स्किन वाला स्वीट पोटैटो मिलता है, उसमें स्टार्च काफ़ी होता है, तो एक्स्ट्रा स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये वाली फ्राइज़ की रेसिपी में कोई कॉर्न स्टार्च स्लरी या कॉर्नफ्लावर की हमें कोटिंग नहीं करनी है. बिना कोटिंग के ही फ्राइज़ बनेंगे. और इसे फिर कट कैसे करना है प्रॉपरली, इसे फ्राई कैसे करना है प्रॉपरली, वो आपको बताऊँगा. एक फ्लैश फ्राइंग मेथड यूज़ करेंगे, जिससे स्वीट पोटैटोज एकदम परफेक्टली फ्राई होंगे. बाहर से क्रिस्प, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मशी और डिलिशियस ये फ्राइज़ बनते हैं. लास्ट में कुछ मसाले डालकर इसे टॉस करके मसाला फ्राइज़ बनाएंगे. और इस वीडियो के एंड में दो आपको डिप्स बताऊंगा, जो इन स्वीट पोटैटो फ्राइज़ के साथ बहुत अच्छी लगती, मेरी फेवरेट डिप्स हैं. तो सबसे पहले स्वीट पोटैटो फ्राइज़ के लिए इन्हें कट कैसे करना है वो देख लेते हैं. तो फ्राइज़ के लिए आपको शकरकंद ले लेनी है, स्वीट पोटैटोज़ ले लेने हैं. जैसे मैंने आपको बोला था, ये पर्पल स्किन वाला स्वीट पोटैटो यहाँ पर ईजिली मिलता है. इसे धोकर मैंने अच्छे से वाइप कर लिया है. इन्हें भी आपको पील कर लेना है अच्छे से, इसका छिलका जो है वो निकाल लेना है. आज इस रेसिपी में मैं 3 मीडियम साइज़ के स्वीट पोटैटोज़ यूज़ कर रहा हूँ. अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्वीट पोटैटो की क्वांटिटीज़ ऊपर या नीचे कर सकते हैं. एक बार आपने स्वीट पोटैटोज़ को पील कर लिया है, उसके बाद आपको इन्हें कट करना है. तो पहले दोनों साइड से मैं इन्हें हल्का हल्का ट्रिम कर रहा हूँ कि एक पीस मिल जाए जितनी हमारे फ्राइज़ की लेंथ होगी. उसके बाद इस तरीके से साइड से भी हल्का हल्का इन्हें ट्रिम करना है कि वो राउंडनेस जो है वो हल्की सी जो स्वीट पोटैटो को निकल जाए. तो आप देख सकते हो स्वीट पोटैटो को ट्रिम करने के बाद मैं आसानी से चॉपिंग बोर्ड पर अब रख पा रहा हूँ. अभी हमें इनके 1 सेंटीमीटर थिक फ्लैंक्स कट कर लेने हैं. तो इस तरीके से स्लाइसेस कट कर लीजिए, पतले पतले स्लाइसेस नहीं कट करने, कम से कम 1 सेंटीमीटर का आपका एक फ्लैंक होना चाहिए. फ्लैंक्स कट करने के बाद इन्हें फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट कर लेना है. 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का आपका फ्राई होना चाहिए. इससे पतला फ्राई मत कट कीजिए, स्वीट पोटैटो का फ्राइज़ है ना, पतले वाले बहुत ज़्यादा अच्छे बनते नहीं हैं. तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से फ्राइज़ को कट कर लिया है. एक बार आपने सारे फ्राइज़ को इस तरीके से कट कर लिया है, तो इन्हें हमें धो लेना है अच्छे से, पानी के साथ रिंस कर लेना है. जो इसके ऊपर लूज स्टार्च होगा ना आलूओं के ऊपर, उसे हमें निकाल लेना है. तो अच्छे से इन्हें वॉश कर लीजिए. आप देख सकते हो पानी कैसे हमारा क्लाउडी हो गया है, वो एक्सेस स्टार्च जो है, लूज स्टार्च जो है, वो निकल गया है. इस तरीके से अच्छे से शक्करकंद को काटने के बाद अच्छे से धो लीजिए. तो फ्राइज़ हमने कट कर लिए हैं. फ्राइज़ को जब भी कट करें तो ध्यान देना, शक्करकंद थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इन्हें कट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको. इसलिए वो साइज़ ट्रिम कर लें कि अच्छे से एक जगह पर टिक पाए आपका शक्करकंद, और फिर आप इसे कट कीजिए. दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई कि थोड़े से मोटे फ्राइज़ आपको कट करने, एकदम पतले फ्राइज़ कट करोगे ना तो स्ट्रक्चर नहीं होल्ड करेगा फ्राई, और वो टूट जाएगा फ्राई करते समय, और अंदर से ना थोड़े से हॉलो हो जाते हैं फ्राइज़ जब भी आप पतले फ्राइज़ कट करते हो. तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर जैसे आपने देखा, थोड़ी सी थिकनेस रखनी है फ्राइज़ में जब भी आप कट करो. एक बार फ्राइज़ को कट कर लिया है तो पानी से धोना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, जब भी हम इसे ब्लांच करेंगे, फ्राई करेंगे, वो एक्सेस जो स्टार्च है हमें नहीं चाहिए, लूज स्टार्च जो है उसका निकल जाना चाहिए. तो अभी एक तैयारी हमने कर ली है. अब दूसरी चीज़ हमें फ्राई करने से पहले ये करना है कि हमें फ्राइज़ को ब्लांच करना है, थोड़ा सा पकाना है हमें एकदम उबलते हुए पानी में. वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं. फ्राइज़ को ब्लांच करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी को एकदम रोरिंग बॉयल पे ले आया, एकदम खोलता हुआ पानी है हमारा. इसके अंदर अब 3 बड़ी चुटकियाँ आपको नमक की ऐड करनी है, साथ में 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करना है. विनेगर क्यों ऐड किया वो मैं आपको बताता हूँ. अब इसके अंदर जो हमने फ्राइज़ कट किए थे वो ऐड कर दीजिए. फ्राइज़ ऐड करने के बाद आपको ऊपर ढक्कन लगा देना है कि पानी फिर से बॉयल पे आ जाए, और यहाँ पर घड़ी लगाकर सिर्फ 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर शक्करकंद को उबलते हुए पानी में हमें पकाना है. विनेगर ऐड करने का कारण ये है कि जो फ्राइज़ है ना वो स्ट्रक्चर होल्ड कर लेंगे विनेगर की वजह से, तो टूटेंगे नहीं ब्लांच करने के बाद. तो इससे हमें हेल्प हो जाएगी कि फ्राई करते टाइम भी ये टूटे नहीं. 3 मिनट के बाद ढक्कन निकालना है. ढक्कन निकाल कर एक छन्नी यूज़ करके हमारे फ्राइज़ को निकालना है. आप देख सकते हो फ्राइज़ ने अपना शेप जो है होल्ड करके रखा है, ये फ्राइज़ टूट नहीं रहे हैं आसानी से. इन्हें अभी निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है. छन्नी में ट्रांसफ़र करके इसे रूम टेम्परेचर पर आपको ठंडा कर लेना है. या फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो फ्राइज़ है वैसे देखो, जब भी मैं इसे शेक कर रहा हूँ ये टूट नहीं रहे आसानी से, स्ट्रक्चर जो हमारे फ्राइज़ ने होल्ड करके रखा है.
तो फ्राइज को इस तरीके से ब्लांच करने से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ तो ये होता है कि फ्राइज हमारे थोड़े से पक जाते हैं पहले ही, तो इन्हें जब हम फ्राई करेंगे ना तो पहली बार हम एकदम हाई टेम्परेचर पे इसे फ्लैश फ्राई करेंगे कि बाहर से स्ट्रक्चर होल्ड कर ले, फिर सेकेंड टाइम इसे फिर से फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते और अंदर से और अच्छी तरीके से पक नहीं जाते। तो ब्लांच करने से एक तो ये हो जाएगा, दूसरी चीज़ क्या है, जो एक्सेस स्टार्च और होगा वो भी निकल जाएगा ब्लांच करते टाइम, और विनेगर की वजह से पेक्टिन होता है ये स्वीट पोटैटोज़ में, तो विनेगर जब पेक्टिन के साथ रिएक्ट करता है तो फ्राइज जो है वो स्ट्रक्चर अपना होल्ड कर लेते हैं, जो स्टार्च होता है वो आपका स्ट्रक्चर होल्ड कर लेगा, तो स्वीट पोटैटो के जो फ्राइज आप बना रहे हो वो टूटेंगे नहीं। ये जब आलू वाले भी फ्राइज बनाते हैं तभी भी मैं विनेगर ऐड करता हूँ, तो सेम तरीके से इस रेसिपी में विनेगर ऐड कीजिए तो फ्राइज आपके टूटेंगे नहीं। एक बार आपने फ्राइज को ब्लांच कर लिया, इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है, ठंडा करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ी देर तक के बाद भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। एक बार ये फ्राइज ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें फ्लैश फ्राई कैसे करना है, वो डबल फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में मैंने तेल गरम करने रख दिया है, तेल हमारा 185 टू 190 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए या कुकिंग में जब भी आपको टेम्परेचर चेक करना है उसके लिए एक थर्मोमीटर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत आसानी हो जाती है टेम्परेचर चेक करने के लिए, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपने किचन में, सो यू कैन इन्वेस्ट इन अ डिजिटल थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर दो किस्म के होते हैं, एक डिजिटल थर्मोमीटर होता है ऐसे इंफ्रारेड वाला जो आपने देखा होगा लॉकडाउन में काफ़ी यूज़ होता था, तो वो यूज़ कर सकते हो, उससे भी टेम्परेचर पता चल जाता है, या आप इस तरीके से एक प्रोब थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हो तो आपको टेम्परेचर जो है वो तेल का पता चल जाएगा, एंड यू कैन बी ऑलवेज श्योर कि आप क्या टेम्परेचर पे खाने को फ्राई करें या क्या टेम्परेचर पे खाने को कुक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर माप लिया है, 185 टू 190 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए तेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें फ्राइज को फ्राई करना है, एक टिप बता रहा हूँ यहाँ पर, फ्राइज़ को कई बारी जब हम ऐड करते हैं ना गरम तेल में, गरम तेल उड़ के उंगलियों पर कभी कभी उड़ता है, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो ऐसे एक झारा ले लेना है, झारा लेकर फ्राइज़ को पहले झारे में डालिए, उसके बाद ये स्ट्रेनर को आपको अंदर डाल देना है इस तरीके से, तो क्या है तेल उड़ेगा नहीं है, बस एक छोटी सी टिप है मैं फॉलो करता हूँ कभी कभी। पहले आधे फ्राइज ऐड किए क्योंकि तेल ना अचानक से ऊपर आता है, इसलिए एक डीप बर्तन लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेल बर्तन के बाहर नहीं आए। एक बार तेल थोड़ा सा सेटल हो जाए तो बाकी के भी फ्राइज सेम तरीके से ऐड कर दीजिए। अब घड़ी लगाकर एक मिनट के लिए आपको खाली फ्राइज को यहाँ पर हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, ये फर्स्ट फ्लैश फ्राइंग है हमारी। एक मिनट के लिए आपने फ्राई कर दिया है तो बस फ्राइज को झारे से निकालिए, निकाल कर एक्सेस तेल को निकलने दीजिए, फिर एक छन्नी में ट्रांसफर कर दीजिए और इनको रूम टेम्परेचर पे आने तक आपको ठंडा कर लेना है। तो फ्राइज की फर्स्ट फ्लैश फ्राइंग हमने यहाँ पर कर ली है, हम इसे आज डबल फ्राई करने वाले हैं, इससे परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। पहली फ्राइंग में हमने ये किया है कि हाई टेम्परेचर पे बाहर से जो है स्ट्रक्चर होल्ड करवा दिया है फ्राइज का। अब सेकेंड फ्राइंग में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर तो 180 डिग्री सेल्सियस ही होगा बट फ्लेम को तभी हम लो रखेंगे कि फ्राइज को टाइम मिले अच्छे से बाहर क्रिस्प होने के लिए और अंदर से भी और अच्छे से पक जाने के लिए। तो इस तरीके से आप इन्हें फ्राई करेंगे। अब आप कभी एडवांस में थोड़ी तैयारी कर रहे हो, जैसे दोपहर को आपने कर लिया आपको रात को फ्राइज बनाने हैं, तो आप फर्स्ट फ्राइंग करके निकाल लेंगे, इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद इन्हें फ्रिज में रख दीजिए, अगर 3-4 घंटे के लिए रखना चाहते हो तो, थोड़े ज़्यादा समय के लिए रखना चाहते हो तो फ्रीज कर सकते हो, फ्रीज़र में डाल दीजिए एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर, जब भी इन्हें फ्राई करना है फ्रिज से बाहर निकाला, 180 डिग्रीज पे आपको तेल को लाना है। उस स्टेज पर जब भी आप फ्रीज इन्हें कर रहे हो तभी हाई फ्लेम पर ही इनिशियली कुक करेंगे, क्योंकि फ्राइज ठंडे होंगे तो तेल का टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप होगा। हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया, थोड़ा टेम्परेचर गेन कर लिया तेल ने, फिर लो पर डालकर इसे क्रिस्प होने तक एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर तो मैं आज रूम टेम्परेचर पर ही इन्हें लेके आ रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, लो या मीडियम टू लो फ्लेम पर आराम आराम से, जब तक ये एकदम क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सेकेंड फ्लैश फ्राइंग कर लेते हैं फ्राइज़ की, 180 डिग्री सेल्सियस गरम तेल के अंदर आपको फ्राइज़ को सेम तरीके से ऐड कर देना है। फ्राइज़ को डालने के बाद लो फ्लेम या मीडियम टू लो फ्लेम में, अगर आपका बर्नर छोटा है तो, इन्हें फिर से फ्राई करना है जब तक कि एकदम क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। लगभग 4-5 मिनट लग जाएंगे इस स्टेज पर आपके फ्राइज़ को अच्छे से क्रिस्प होने के लिए। इस प्रोसेस में आपके फ्राइज़ एकदम बाहर से अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे, एकदम मशी पोटैटो अंदर रहेगा और खाने में फ्राइज़ बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में फ्राइज़ को। तो 4-5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो फ्राइज़ कितने अच्छे से हमारे क्रिस्प हो गए हैं, कलर भी एकदम अच्छा आ गया है। इस स्टेज पर आपको इन्हें निकालना है तेल से, तेल को अच्छे से निकलने देना है, तेल को निकाल लीजिए अच्छे से, फिर एक बोल में ट्रांसफ़र करना है और गरम गरम फ्राइज़ में ही आपको इसे
सीजन करना है कि सीजनिंग फ्राइज पे चिपक जाए। तो यहाँ पर मैं सॉल्ट और पेपर के साथ इनको सीजन कर रहा हूँ। सॉल्ट और पेपर डालकर अच्छे से टॉस कर लीजिए और ये हमारे स्वीट पोटैटो फ्राइज रेडी हो गए। अब इस स्टेज पर बेसिक सीजनिंग के साथ भी आप स्वीट पोटैटो फ्राइज को सर्व कर सकते हैं। मैं आज मसाला फ्राइज बना रहा हूँ। अच्छा लगता है क्या है, वो शक्करकंद वाली चाट खाने की आदत होती है ना, तो और थोड़े से मीठे होते हैं ये आलू, तो इनमें थोड़े से हमारे स्पाइसेस डाल दो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, तो वो एकदम चटपटे मसाले वाले फ्राइज बनते हैं जो बहुत डिलिशियस लगते हैं। तो मसाले कौन से ऐड करने, बेसिक हमारे घर पर होते हैं वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो एक चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी चाट मसाला, एक चुटकी गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और फटाफट से फ्राइज को टॉस कर लीजिए और ये बेसिक मसालों के साथ हमारे एकदम चटपटे वाले स्वीट पोटैटो फ्राइज रेडी हो गए। तो फ्राइज तो हमारे रेडी हो गए हैं और इन्हें आप अभी केचप या मेयो के साथ सर्व कर सकते हो। अब मैं जब भी ये स्वीट पोटैटो फ्राइज बनाता हूँ ना, हमेशा अलग अलग तरीके के डिप्स बनाता हूँ। तो आज दो डिप्स आपको बता रहा हूँ। एक बता रहा हूँ गार्लिक डिप, जो बहुत अच्छी लगती है ये वाले स्वीट पोटैटो फ्राइज के साथ, और एक टैंगी स्पाइसी मेयो बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये दोनों ही डिप्स में अगर आपको मेयो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है, तो दही जो यूज़ करोगे ना, वो टंगा हुआ दही यूज़ कीजिए और सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए रिप्लेसिंग मेयो, और आपकी डिप्स एकदम परफेक्ट बनेगी बिना मेयोनीज के भी। तो सबसे पहले गार्लिक डिप कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल के अंदर एक कप दही, आधा कप मेयोनेज, आधा टीस्पून विनेगर, एक टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर, एक चुटकी कूटी हुई काली मिर्च, एक चुटकी नमक, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए। अब इसमें मैं 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ। तो एक ग्रेटर ले लीजिए, ग्रेटर लेकर लहसुन की कलियों को ग्रेट करके इसमें ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक विस्क या फोक यूज़ करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी एकदम क्विक वाली गार्लिक डिप रेडी हो गई। अब टैंगी मेयो बनाने के लिए एक बोल में 5 टेबलस्पून मेयोनेज, 1 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस ऐड कीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिला लेना है और ये आप देख सकते हो हमारी टैंगी मेयोनेज रेडी हो गई। ये आपने देखा दोनों डिप्स बनाना कितना आसान है, कुछ ही मिनट में बन जाती है। और ये जो गार्लिक डिप है ना, स्पेशली मेरी पर्सनल फेवरेट डिप है, आप बनाकर देखिए, बहुत डिलिशियस लगती है खाने में। तो डिप्स बना दी है, फ्राइज हमारे रेडी है, इसको प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। फ्राइज आपने देखा कितने क्रिस्प बने और अंदर से भी इनका टेक्सचर जो है परफेक्ट बनता है, कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से स्वीट पोटैटो फ्राइज बनाइए एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। अब मुझे पता है काफ़ी लोग पूछेंगे कि ओवन में या एयर फ्रायर में कैसे बनाना है। तो ब्लांच करने के बाद ना हल्का सा तेल में इन्हें टॉस करना है, थोड़ा सा तेल ऊपर लगाना पड़ेगा आपको, और फिर आप ओवन में अबाउट 230-240 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें बेक कर सकते हो अंटिल क्रिस्प एंड गोल्डन ब्राउन, या एयर फ्रायर के हाईएस्ट सेटिंग पर डालकर इन्हें आप फ्राई कर सकते हो, एयर फ्राई कर सकते हो। अब तेल में जो रिजल्ट्स आते हैं ना, सेम एग्जैक्ट रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे, बट स्टिल यू कैन डू दैट। मुझे ना ये डीप फ्राइड वाला वर्जन बहुत अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आता है फ्राइज का। तो इस तरीके से बनाकर देखिए और डिप ज़रूर बनाना, यू विल लव दिस रेसिपी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। Cheers.